भावना जी, बीजेपी तो शुरुआत से ही इसी पथ पर चल रही थी, ये पहली बार नहीं है कि नाम बदला गया, देश के नाम को लेकर भी पहले से ही सोच विचार चल रहा था, यहां आपको क्यों परहेज, कांग्रेस को क्यों परहेज है? पूजा जी, ये साफ दिख रहा है कि परहेज कांग्रेस को नहीं है। भारत जोड़ो आंदोलन, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी करते हैं, कन्याकुमारी कश्मीर तक चलते हैं, उस यात्रा का नाम ऐतिहासिक यात्रा, उन्होंने देश को जोड़ने की, नफरत को मिटाने की, जो केरोसिन उन्होंने छिड़का उसको, उस आग को बुझाने की, वो नफरत के खिलाफ मोहब्बत की दुकान खोलने की जो एक पहल राहुल जी ने करी है, जो ऐतिहासिक यात्रा करी है, उसका नाम भी भारत जोड़ो यात्रा रखा गया। इंडिया अलायंस का जो स्लोगन रहा वो भी ये रहा, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। तो कहीं ना कहीं ये दिखता है कि जो विपक्षी गठबंधन है या कांग्रेस पार्टी है, उसको भारत नाम से गर्व है और भारत नाम को आत्मसात करने की इच्छा शक्ति भी है। इसमें कहां समस्या थी फिर? इसके ऊपर मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो आया है, ये कहीं ना कहीं इंडिया गठ, ये इस समय लाना सिर्फ ध्यान भटकाने की राजनीति का एक माध्यम है। ध्यान भटकाना महंगाई के मुद्दे से, ध्यान भटकाना मणिपुर में जलती हुई आग से, ध्यान भटकाना किसानों की गिरती हुई आय से, ध्यान भटकाना बढ़ती बेरोजगारी से, ध्यान भटकाने के अलावा भाजपा का कोई काम नहीं है। हर समय कुछ ना कुछ ऐसा मुद्दा लेके आते हैं जिससे देश की जनता का ध्यान भटक जाए। इंडिया अलायंस की पहली मीटिंग होती है, उसी दिन जिस दिन पहली मीटिंग होती है एनडीए अपनी मीटिंग बुला लेता है, जिस दिन मुंबई में पहली मीटिंग, जब पहला दिन आता है तो पार्लियामेंट का स्पेशल सत्र घोषित कर देते हैं। कहीं ना कहीं इनको डर है कि ये जो विपक्षी गठबंधन है, इससे देश के लोगों की आवाज बन के उभरा है और जनता की आवाज जो है, जिससे जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया। ठीक है।